हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मास्क का ग्राफ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसको पहनना आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिसके बिना हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सिर्फ तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है, क्रोशिया, कैंची और धागा, जो कि मैंने कॉटन का यूज़ किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये 20 चेन डाल लेंगे। 20 चेन डालते हुए उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया लेकर इसे पूरा भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंगल क्रोशिया लिया और इसे भर दिया। फ्रेंड्स, इसी तरह ही हमें क्रोशिया चलाते जाना है और इसे पूरा भर देना है। इसको भरते हुए हमने चेन नहीं लेनी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन ले ली और इसे पूरा भर दिया। अब बैक साइड से भी हमने इसी तरह ही सिंगल क्रोशिया चलाते हुए पूरी चेन को भर दिया। ये फ्रेंड्स, ये मास्क आप सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से पहन सकते हैं। क्रोशिया में सीधा और उल्टे का पता नहीं लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी साइड से भी इसे सिंगल क्रोशिया चलाते हुए से भरना शुरू कर दिया। ये अब हमारा भरकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अब जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हमें इसे फर्स्ट लास्ट में तीन चेन डाल लेनी है और थर्ड लाइन स्टार्ट करनी है। थर्ड लाइन हमने डबल क्रोशिया चलाना है। डबल क्रोशिया चलाते हुए इसे हमने भर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे भरना शुरू कर दिया और ये हमारा भर कर तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब जो हमारी फोर्थ लाइन है उसको हमने उसी तरह ही दोबारा से डबल क्रोशिया लेते हुए चलाते जाना। अब फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसी तरह ही हमने चार क्रोशिया चार साइड उल्टा सीधा हमने चलाते जाना, चार साइड, एक दो तीन चार, चार साइड हमने इसी तरह ही इसे उल्टा सीधा चलाना है। और चलाने के बाद जब हमारे चार साइड पूरे हो जाएंगे, चलाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चार क्रोशिया चारों साइड का उल्टा सीधा पूरा हो गया और मैंने ये 20 चेन से ही ऊपर तक लिया है। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने एक साइड प्लेन रखते हुए दूसरी साइड जो मेरा फर्स्ट मेरे हाथ में है उसमें मैंने दो चेन बढ़ाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और एक ही घर से मैंने दूसरी चेन फिर से ली। ये देखिए दूसरी, अब इसी साइड ही हमने फंदे बढ़ाते जाना है और जो दूसरी साइड है वो हमारा सीधा चलता रहेगा। ये हमारे नोज़ को कवर करने के काम आएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस साइड को जो है उसमें प्लेन रखा है, इसमें मैंने फंदा नहीं बढ़ाया। फ्रेंड्स, फंदे बढ़ने के बाद जब हम फंदे लास्ट तक बढ़ाएंगे, लास्ट तक मीन्स मिडल, जो हमारा मास्क के बीच का होगा हिस्सा, वहाँ तक हमने फंदों को बढ़ाते जाना है। और लास्ट में हमारे 32 फंदे जब होंगे उस टाइम पे हमने इसे रोक देना है, वहाँ से हमने घटाना शुरू करना है। ये देखिए फंदे बढ़कर ये मास्क इस तरह से लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे बढ़ाए हैं और ये लास्ट में मेरे 32 फंदे हो गए। अब यहाँ से मैं आपको थर्ड स्टेप बताऊँ। ये देखिए, बिना चेन लेते हुए हमने तीन फंदे कम करने हैं, एक दो और ये तीन। तीन फंदों के ऊपर हमने एक ही सिंगल क्रोशिया चलाना है। ये हमारे फंदे कम हो गए। अब यहाँ से हमारे फंदे कम होने शुरू हो गए। देखिए फिर उसी तरह ही हमने क्रोशिया चलाना है लास्ट तक।
लास्ट तक क्रोशिया चलाते हुए फ्रेंड्स हमारे फंदे कम होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे फंदे कम हो गए। एक बात ध्यान रखें फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमें फंदे कम नहीं करने। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे कम होने के बाद ये मास्क कुछ इस तरह से लगेगा। अब फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में सिंगल चेन ली थी, लास्ट हमने उसी तरह ही उल्टी सीधी साइड से दो बारी सिंगल चेन लेते हुए इसको यहीं पर ही स्टॉप कर लिया है। अब हमारा फोर्थ स्टेप में हमने जो हमारा इलास्टिक का काम होता है वो करना शुरू करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया चलाते हुए पांच चेन ले लेनी है। 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। पांचवी चेन के ऊपर से हमने 40 की चेन बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन बनानी शुरू कर दी है। ये 40 की चेन जो हमारी बनेगी वो हमारा इलास्टिक का काम करेगी। इस मास्क के लिए आपको इलास्टिक की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखो, मैंने 40 की चेन बनाकर इसे इस तरह इस साइड को जोड़ दिया और ये हमारा इलास्टिक का काम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इसी तरह से ही हमने चलाते हुए पांच चेन इस साइड को भी हमने कर लेनी है। इस तरह से चलाते हुए जो हमारा मास्क ऊपर से टाइट रहता वो हमने बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा नोज़ का साइड है, इस साइड को हमने थोड़े थोड़े दूर में क्रोशिया चलाते जाना है। ये देखिए, ये पहले मैंने वहाँ लिया, अब हम थोड़ी दूर में फिर से ये हमारा यहाँ से ऊपर से नोज़ की साइड से मास्क टाइट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी दूर में लेते हुए मैंने ये मास्क ऊपर से टाइट कर दिया। फिर दूसरी साइड से भी जो हमने उसी तरह ही चेन लेते हुए, पहले हमने 5 घर लेने हैं, उसके बाद चेन लेते हुए इलास्टिक बना देना है जो हमारा चेन से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरह से बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा कॉटन थ्रेड का मास्क जरूर पसंद आया होगा। आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए।